इसके अलावा हमारे पास इन्वेंट्री में कुछ रिपोर्ट्स होंगी। इन्वेंट्री में आप देखिए काफी सारी है, प्रोडक्ट कैटेगरी लिस्ट है आपके पास। ये प्रोडक्ट कैटेगरी लिस्ट आपकी जो है, वन ऑफ 12 पेजेस हैं आपके जो, अगर आपने प्रोडक्ट ऐड किए हैं। ठीक है, ये 200 एंड कितने प्रोडक्ट्स हैं जो ये ऐड कर सकता है आपके पास? 500 प्रोडक्ट्स हैं, 500 प्रोडक्ट्स आपके इसमें ऐड हो सकते हैं इन्वेंट्री लिस्ट में। और मेरे ख्याल में आपका ये जो है इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 500 प्रोडक्ट्स बहुत प्रोडक्ट होता है, ठीक है, एसएमई सेक्टर के लिए। इसकी भी आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। और सर अगर ग्रॉसरी स्टोर है तो 500 प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं है, ग्रॉसरी स्टोर 500 प्रोडक्ट कुछ नहीं होंगे। टिप्स भी बन जाते हैं, फिर आप ये कर सकते हैं कि उन्हें आप रिक्वेस्ट करके आप ऐड ऑन करा सकते हैं, ठीक है ना। आपको फिर जेनेटिक्स में आप अपने ऐड ऑन कर दें, क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी, अगर आप कोई आम आउटलेट की बात करेंगे तो 500 वुड बी रीजनेबल। या फिर ये आप कर सकते हो कि आप प्रोडक्ट्स की सब क्लासिफिकेशन कम कर लो थोड़ी, तो फिर आप टाइप कर सकते हो। अगर आप जितना ज़्यादा डिवाइड करोगे उनको, अगर हम सोनी के टीवी है, ठीक है, तो अगर आपको कहोगे जी 32 इंच का, तमाम 32 इंच इसमें डाल दोगे, उसमें 32 इंच लोकल भी है, इम्पोर्टेड भी है, 32 इंच का प्लाज्मा भी है, फिर आपका ये जो है ना वो उसके अंदर है डिस्टिंक्शन है। या अगर आप बस एक ही मटेरियल आप ले रहे हो, वो चार वेंडर से ले रहे हो, तो अगर आप चार वेंडर लेदर का डालते हो तो मे बी आपके लिए क्रॉसिंग करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए। फिर उसमें आप थोड़ा सा जो सेम प्राइस वाले उनको एक जगह क्लब कर दो, इस तरह करके आप किया जा सकता है। मगर आपने देखिए ना, कहा तो उन्होंने मुझे यही था जेनेटिक्स वालों ने कि हमारी इतनी कॉस्ट नहीं होती, तो ये अगर आपको प्रोडक्ट्स ऐड कराने हैं, मतलब आपको पता है कि 700-800 की रेंज में जाना है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ा दें। अगेन थ्रू उस मीडिया जाके शायद हमें थोड़ा बेनिफिट मिल ही गया आपके पास। और मतलब ये कि